आप सभी का कैलाश में स्वागत है। ब्रह्मदेव श्री हरि विष्णु, हमारी ध्यान समाधि के कारण आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी, इसका हमें खेद है। देवादिदेव महादेव, आपकी सर्वज्ञ दृष्टि से इस संसार में कुछ भी नहीं छिपा हुआ। ध्यान समाधि में रहते हुए भी आपको कण-कण का ज्ञान रहता है। हम सबके यहाँ प्रकट होने का कारण आप भलीभांति जानते हैं। कृपा करके देवी पार्वती को कैलाश लेवाना है, इसी में संसार का कल्याण है। हे महादेव, विश्व को वरदान देने वाले श्री महागणेश की भविष्यवाणी हो चुकी है। दुष्ट अत्याचारी क्रोधासुर को श्री महागणेश के लंबोदर अवतार ही दंडित कर सकते हैं। इसीलिए श्री हरि विष्णु, ब्रह्मदेव, अब तक जो कुछ भी हुआ है वो श्री महागणेश की इच्छा और संकेत से ही हुआ है। आगे भी जो कुछ होगा वो श्री महागणेश की इच्छा और लीला के अनुसार ही होगा। चिंतित होने का कोई कारण ही नहीं है। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम श्री हरि। प्रणाम देवर्षि नारद। महादेव, आपका कथन सत्य का प्रतीक और सुंदर का साक्षी है। यदि आप क्रोधासुर को वश करने का अनुरोध मान लेते तो माता पार्वती कैलाश से लेखनगिरी पर्वत रास्ता न करती। जय जय श्री गणेश। यदि शिव लीला के कारण माता पार्वती लेखनगिरी पर्वत ही न जाती तो गिरजात्मज तीर्थ प्रकट ही न होता, और फिर आने वाले युगों में असंख्य गणेश भक्त अपनी कामना पूर्ति और भक्ति से वंचित रह जाते। महादेव, अब तो आपको भी परम देव श्री महागणेश की इच्छा का संकेत मिल चुका होगा। मैं तो पिछले लंबे समय से इसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। इस घटनाक्रम में जो कुछ भी घटित हुआ उसमें परम देव श्री महागणेश की इच्छा और आपकी लीला ही प्रभावी थी। तुम सत्य कह रहे हो पुत्र, हम त्रिदेव भी श्री महागणेश द्वारा रचित सृष्टि के विधान के अनुसार ही कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो आप देवताओं के साथ ही साथ संसार के कल्याण का महायज्ञ संपन्न करने की कृपा करें महादेव। अवश्य, हम आप सबकी इच्छा का सम्मान करते हुए देवी पार्वती का संकल्प अवश्य पूरा करेंगे। आइए आप सब भी हमारे साथ गिरजात्मज गणेश तीर्थ यात्रा का पुण्य लाभ प्राप्त करें। शक्ति स्वरूपा जगदम्बा माता पार्वती की जय। शक्ति स्वरूपा जगदम्बा माता पार्वती की जय। सर्वधर्म मंगल हमारे, शिवे सर्वार्थ साधिके, चरणे ब्रह्म के गौरी, नारायणे नमोस्तुते। शक्ति स्वरूपा जगदम्बा माता पार्वती की जय। शक्ति स्वरूपा जगदम्बा माता पार्वती की जय। शक्ति स्वरूपा जगदम्बा माता पार्वती की जय। इधर उधर क्या देख रही हो देवी पार्वती, हम तो सदा ही तुम्हारे निकट रहते हैं, अपितु हम तुम में और तुम हम में समाई रहती है। सांसारिक दृष्टि से भिन्न भिन्न शरीर होते हुए भी शिव शक्ति अभिन्न है। पति परमेश्वराय नमो नमः। जय माता की। माता, पिताश्री महादेव के आ जाने के कारण तुम्हारा ये संकल्प भी पूरा हुआ। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश और जगदम्बा माता पार्वती की जय। नारायण नारायण। देवराज जी, देखा आपने, देखा इस तीर्थ की महिमा को देखा। माता पार्वती ने पहले ही कहा था कि इस तीर्थ की यात्रा करने के कारण आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। देवर्षि, हम इस परम पावन तीर्थ स्थल के दर्शन पाकर धन्य हो गए। इतने शुभ अवसर और क्या हो सकता है देवराज जिंद, कि इस पावन तीर्थ क्षेत्र पर एक साथ ब्रह्मा विष्णु महेश उपस्थित हैं। त्रिदेव, आपका एक परम भक्त नारद आपसे एक प्रार्थना करना चाहता है। हम तुम्हारी प्रार्थना सुनने के लिए उत्सुक हैं नारद। परम पिता, पृथ्वी के गणेश लोक के समान इस पावन तीर्थ की यात्रा करने वाले यात्रियों को
आप त्रिदेवों की भी पुण्य कृपा प्राप्त होनी चाहिए। अवश्य आज के बाद गिरजात्मज मूर्ति के दर्शन करने वाले भक्त सत्य की शक्ति से प्रेरित होकर संसार का ऐश्वर्य भोग करेंगे। मेरी रज शक्ति के प्रभाव से इस तीर्थ की यात्रा करने वाले भक्तों का जीवन सुख शांति से परिपूर्ण होगा। दर्शन की अभिलाषा लेकर यहाँ आने वाली जीवात्मा आवागमन से मुक्ति पाकर अपना इच्छित धाम प्राप्त करेगी। गिरजात्मज तीर्थ की यात्रा करने वाले भक्त मेरी कल्याणकारी कृपा के अधिकारी होंगे। अब तो सबके संकल्प और मनोरथ पूरे हो गए, पर तीर्थ यात्रा में आने का प्रसाद तो अब तक नहीं मिला। माता, हम सबका अनशन व्रत भी सफल हो चुका है। अब तुरंत कैलाश चलकर अपने हाथों से बने मोदक इस तीर्थ यात्रा के प्रसाद के रूप में हम सबको खिलाओ। नारायण नारायण। और प्रसाद के साथ ही साथ अत्याचारी क्रोधासुर का अंत करने वाले श्री महागणेश के लंबोदर अवतार को प्रकट करने की भूमिका भी बनाए माता। अवश्य। के पश्चात पृथ्वी, पृथ्वी के पश्चात पाताल लोक, तीनों लोकों पर महान असुर सम्राट क्रोधासुर का साम्राज्य स्थापित होगा। सेनानायक, तुम असुर सेना की टुकड़ी लेकर पाताल की ओर अभियान करो। जो आज्ञा असुर सम्राट। मूर्ख, असुर सम्राट नहीं, त्रिलोकपति कहो, त्रिलोकपति। नारायण नारायण, जय जय श्री महागणेश। मूर्ख साधु, क्या तू इतना नहीं जानता कि त्रिलोकपति के सामने किसी और की जय जयकार नहीं की जाती? नारायण नारायण, मूर्ख और अज्ञानी अपने ही समान सभी को मूर्ख और अज्ञानी समझते हैं। मैं तुम्हें सावधान करने आया हूँ मूर्ख क्रोधासुर। इन पृथ्वी वासियों पर जो तुम अत्याचार कर रहे हो ना, ये शीघ्र ही रोक दो, अन्यथा श्री महागणेश का कोप तुम्हें ले डूबेगा। नारायण। अरे मंद बुद्धि क्रोधासुर, यदि अपना भला चाहते हो तो शीघ्र ही स्वर्ग का सिंहासन देवराज इंद्र को सौंप कर पृथ्वी पर अत्याचार करना बंद करो, अन्यथा तुम्हारी क्या दुर्दशा होगी ये तो भगवान श्री महागणेश ही जानते हैं। पहले अपनी दुर्दशा की सोच, चोटी वाले साधु। मेरा क्रोध तेरे शरीर के इतने टुकड़े करेगा जितने की तू सोच भी नहीं सकता। नारायण नारायण। अरे अज्ञानी क्रोधासुर, तुम मुझे स्पर्श भी नहीं कर पाओगे। तुम्हें पराजित करने की भूमिका बनाने के लिए माता पार्वती कैलाश पहुंच चुकी हैं और तुम्हें दंडित करने के लिए श्री महागणेश के लंबोदर अवतार के प्रकट होने में अब अधिक समय नहीं है। ओम लंबोदराय नमः। सावधान हो जाओ, अन्यथा नारायण नारायण। इसी समय कैलाश पर आक्रमण कर देना उचित होगा त्रिलोकपति। शत्रु को प्रकट होने से पहले ही उसे समाप्त करने की भूमिका बनाए। सारी असुर सेना आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रही है। अपने शत्रु को दंडित और समाप्त करने के लिए क्रोधासुर को किसी सेना की आवश्यकता नहीं। मूर्ख, अपने शत्रुओं का काल हूँ मैं, काल से भी विकराल हूँ मैं। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश और माता पार्वती की जय। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश और माता पार्वती की जय। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश और माता पार्वती की जय। मैं वरदानी क्रोधासुर अपने परम शत्रु महागणेश की इच्छा कदापि पूरी नहीं होने दूंगा। मैं जानता हूँ इस कैलाश भूमि पर महागणेश का अवतार
लंबोदर प्रकट होने वाला है, किंतु उससे पहले ही मैं इस कैलाश भूमि को नष्ट भ्रष्ट कर डालूंगा। देवर्षि तुम्हारा मार्गदर्शन पाकर भी ये उन्मत्त हो गया? इसे तो उन्मत्त होना ही था। मैंने तो पहले इसे भस्म करने का परामर्श दिया था। इसका जीवित रहना उचित नहीं है स्वामी। मंगल मूर्ति, श्री महागणेश की इच्छा का संकेत मिल चुका है। इस दुष्ट क्रोधासुर को परास्त करने वाले श्री महागणेश के अवतार लंबोदर के प्रकट होने का अवसर आ चुका है। जो आज्ञा पिताश्री। परम देव श्री महागणेश के परम पावन लंबोदर अवतार प्रकट हो। श्री महागणेश की इच्छा का ज्ञान तो तुम्हें भलीभांति है लंबोदर। उनके अवतार का उद्देश्य पूर्ण करने का समय आ चुका है। जो आ गया पिताश्री। इस प्रकार क्या देख रहे हो क्रोधासुर? मुझसे युद्ध करो। कहाँ गई तुम्हारी वरदानी शक्ति? कहाँ गया तुम्हारा क्रोध? युद्ध करो, मैं तुमसे युद्ध करने के लिए ही यहाँ प्रकट हुआ हूँ। यदि युद्ध का साहस न हो तो अपने अपराधों की क्षमा मांगकर पाताल चले जाओ। नहीं, न मैं पहले पाताल गया था, न पाताल जाऊंगा। मैं त्रिलोकपति हूँ, तीनों लोकों का सम्राट हूँ। स्वर्ग के सिंहासन पर मैं ही बैठूंगा। तू कौन होता है मुझे पाताल भेजने वाला? मुझे पहचानने में भूल न कर मूर्ख क्रोधासुर। मैं तेरा काल हूँ काल। भलाई इसी में है कि स्वर्ग का सिंहासन देवराज इंद्र को सौंपकर पाताल के अंधकार में अचेत हो जाओ। अचेत तो मैं तुझे करूँगा गजमुख। तेरे माता पिता और सभी शुभ शक्तियों को अचेत कर पाताल के अंधकार में धकेल दूंगा। ले संभाल मेरा प्रहार। Ha ha ha!
मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ भगवान। हे लंबोदर, मुझे क्षमा कर दीजिए भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा मांगकर तुमने अपने जीवन की रक्षा कर ली, परंतु तुम्हें क्षमा करने का अधिकार मेरे पास नहीं है। यदि क्षमा मांगनी ही है तो माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ और उन सबसे क्षमा मांगो जिन्हें तुम्हारे अत्याचारों के कारण कष्ट भुगतना पड़ा। जो आज्ञा भगवान, जो आज्ञा।